विद मैक्रॉन स्टूडेंट्स एकेडमी भद्रावती, जहां आप पाओगे द स्प्रॉलिंग स्कूल कैंपस, अ मास्टरपीस स्कूल बिल्डिंग, साथ ही आइडल और मोस्ट मॉडर्न स्मार्ट क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, साइंस लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड, चिल्ड्रन पार्क, अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और बस फैसिलिटी। वी इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हियर इन मैक्रॉन स्टूडेंट एकेडमी भद्रावती। A hub of quality education with 100% result. Committed to excellence in education and holistic development with a team of efficient, devoted teachers, excellent school curriculum and extracurricular activities with number one school of Bhadravati. Macron Students Academy, a venture of MSPM Group and Somaya Group of Institutions. Admissions are open from nursery to 8th standard. Contact Razda Madam. 9271-526128 मैक्रून स्टूडेंट्स एकेडमी, श्री कृष्णा नगर, न्यू सुमठाना, भद्रावती, चंद्रपुर। आगामी बकरीद त्योहार को मद्देनजर रखते हुए त्योहार के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 15 जून 2024 को सुबह 11 बजे नियोजन भवन जिला कलेक्टर कार्यालय चंद्रपुर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें त्योहार को पवित्रता, उत्साह और शांति के साथ मनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही उक्त शांति समिति की बैठकों में सभी जिला शांति समिति के सदस्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में किए गए योजनाओं से आने वाले त्योहार की व्यवस्था संभाली जाने वाली है, जिसका खुलासा स्वयं चंद्रपुर पुलिस अधीक्षक ममक्का सुदर्शन ने अपने बयान में किया है। तो आइए जानते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। अब जो पानी ज्यादा नहीं है तो शायद नगर पालिका का कोई नियोजन टैंकर सप्लाई कर रहा है ना, रेडी रखा है टैंकर, तो आप लोग उनके अभी कॉन्टेक्ट में रहे ना। ये मेरा ख्याल से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने का, बट मेन प्रॉब्लम है जो सदन खत्री सर ने बोला गाड़ी वालों ने, कायदा का हाथ में लेने का बिल्कुल मना है। हम है कार्रवाई करेंगे, सिंपल है, जो लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं वही ड्यूटी करेंगे। आप लोगों का ड्यूटी है इन्फॉर्म करने के लिए, तो क्या करूँ, तुम्हें लोकाना वाला माहिती दिया, हमें कार्रवाई करो। ठीक है, अभी तक तो जो भी इन्फॉर्मेशन आया रात भर एक अभी भी है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशांत जी तो उस दिन रात भर फोन किया था, मैंने वही बोला ठीक है ना, किसके लिए पब्लिक का एक्शन है तो काम करने के, हम का प्रॉब्लम है, 24/7 अवेलेबल है। बोला कि उस दिन बारिश हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, हम तो भेजा है, लेकिन दिक्कत यह है सब हम भी मनुष्य है ना, कभी कभी लेट हो जाता है, पर काम तो करेंगे। एक ही विश्वास हम पे रख लो, कायदा बिल्कुल हाथ में मत लेना, कई कई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है गांव में, देखो समझ सकता हूँ छोटा छोटा जानवर तो जरूरत ही नहीं है, पर एक बार काटने के बाद वो मार्क्स को कोई भी कुछ भी एलिगेशन करना शुरू करेगा। और अभी जो सोशल मीडिया के बारे में बोला, जो फोटो निकाल के वायरल करना, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया चंद्रपुर में, छोटा इशू के लिए भी बिल्कुल आप लोग बिना वेरिफिकेशन के लिए किसी को शेयर मत करिए। डिवीजन वगैरह बांटे, समझो आपके पास आया कुछ भी डाउट है सर ऐसे न्यूज मेरे पास आया करके, आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, आप उसको वायरल मत करें। एक ही विनंती है, जब तक वो सच नहीं है आप बिल्कुल शेयर मत करिए। जिला स्तरीय शांतता कमेटी की बैठक आज यहाँ पर नियोजन भवन में हुई, आदरणीय SP साहब ममक्का सुदर्शन इनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। इस बैठक में बकरी ईद के संदर्भ में चर्चा हुई और यह त्यौहार जो है एकदम शांततापूर्ण होना चाहिए, इसका नियोजन यहाँ पर किया गया। SP साहब ने जो सूचनाएं दी वो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। उन्होंने PW डिपार्टमेंट के लिए कहा है कि जो गड्ढे रास्ते में पड़े हैं हो रहे हैं उसे बुझाया जाए, महानगर पालिका की ओर से पानी की व्यवस्था की जाए, उसी प्रकार MSB की ओर से इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जाए, यह सारी सूचनाएं वहाँ पर दी गई। चंद्रपुर शहर यह महानगर है लेकिन यहाँ कर ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए उस दिन जो नमाज अदा की जाएगी वो ईदगाह पर की जाएगी, इसलिए बहुत सारे मुस्लिम भाई ये बाहर होंगे, ईदगाह पर होंगे और ऐसे समय में ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण बदल करने के लिए SP साहब ने जो बताया है वो करने का निर्णय यहाँ पर हुआ। आज तक चंद्रपुर में जो भी त्यौहार हुए, जिस धर्म के त्यौहार हुए, सब शांततापूर्ण तरीके से ही हुए और यह भी त्यौहार बहुत शांततापूर्ण तरीके से होगा, ऐसा नियोजन जिला शांतता कमेटी ने किया है।
विशेष सूचना ये दी गई है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग करते हैं तो कोई गलत तरह की अगर पोस्ट आती है तो उसको फॉरवर्ड करने से पहले वो कन्फर्म कर ले, और यह अपन एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक है उसका निर्वहन आप लोग करेंगे। और सारी जनता से निवेदन उन्होंने किया कि भाई इस प्रकार की कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने वाली घटना अगर होती है तो उसको वायरल न करते हुए पुलिस विभाग से संपर्क करें, ऐसा उन्होंने कहा। 112 नंबर आपको उसके लिए यूज करना है और इस शहर में, इस जिले में शांतता प्रस्तावित करना है। धन्यवाद आप सबको, बकरी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज SP साहब की अध्यक्षता में शांतता समिति की मीटिंग हुई, ईद का ये विषय था और इसके अंदर में शांतता कमेटी के सभी सदस्य खत्री साहब, रमजान भाई और पुलिस पाटिल लोगों ने सहयोग किया, और सभी से अपेक्षा है कि ये ईद का प्रोग्राम सब अपने दिल के खुशी से मनाएंगे और सब एक दूसरे को सहकार्य करेंगे, ये SP साहब ने अपेक्षा रखी है और हम ये चाहते हैं कि ये शांतिपूर्वक ये त्यौहार हो जाए। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जवाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुनः एकदा सिद्ध, डॉक्टर व इंजिनियर घडविणारे जिल्ह्यातील पहिले इन्स्टिट्यूट, 14 वर्षाची यशस्वी वाटचाल, 100% रिझल्ट, 11वी 12वी IIT JEE NEET आणि MHT CET साठी सर्वोत्तम स्थान, 2024 HSC रिझल्ट मध्ये 42 विद्यार्थी 85% वरती, 68 विद्यार्थी 80% वरती आणि 54 विद्यार्थी 70% वरती, तसेच 42 विद्यार्थी JEE मेन्स टॉपर, त्याचप्रमाणे 2023 मध्ये 76 विद्यार्थी MHT CET, 29 विद्यार्थी JEE आणि 41 विद्यार्थी NEET परीक्षेत यशस्वी। प्रवेशाकरिता संपर्क करा जनता BEd कॉलेज सिव्हिल लाईन्स चंद्र।